हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वॉच एंड लर्न। दोस्तों, कमेंट्स में और कई बार मेरे पास मैसेजेस आए हैं। दोस्त, कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो यूट्यूब जो फेसबुक पे फेक आईडी जो बनाई जाती है उसके लिए रिपोर्ट करते हैं, लेकिन इस समय चूंकि मैंने एक इस पर वीडियो बनाया था और वो वीडियो लगभग 2 साल पुराना, 3 साल पुराना है, और उसमें उसके बाद से लेकर आज तक फेसबुक में कई चेंजेस आए हैं। बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं जो वो लिंक किया उस फॉर्म तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां पे उनको रिपोर्ट करनी है, तो आज मैं उस विषय पे मैंने दोबारा से वीडियो बनाया है। तो ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, लेकिन उससे पहले आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे जो वीडियोज़ हैं वो जो आपको पसंद है तो उसको लाइक करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आपको लगातार हमारे नोटिफिकेशन जो वीडियोस आते हैं उनकी मिलती रहे। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको फेसबुक का ये पेज ओपन कर लेना है, सॉरी facebook.com पे आपको क्लिक इसको डाल करके ओपन करना है, और ये आपका एक वेबसाइट आ जाएगा फेसबुक की, जहाँ से आप लॉग इन करते हैं। आपको यहाँ पर नीचे आना है और देखिए यहाँ पर एक सबसे लास्ट में हेल्प का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फेसबुक का ये पेज, ये फेसबुक का वेबसाइट, यहाँ पे एक लिंक ही ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको देखिए ऊपर कुछ टैब दिए हुए हैं जिसमें पॉलिसी एंड रिपोर्टिंग टैब है लास्ट में, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ये मेनू ओपन हो जाती है। यहाँ पर देखिए हैक एंड फेक, ये एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ये वेबसाइट, यहाँ पर ये लिंक ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हैक एंड फेक में आप ये डिस्क्रिप्शंस जो भी दी हुई हैं आप इनको पढ़ सकते हैं, और चूंकि फेक अकाउंट के बारे में हम उसको रिपोर्ट करना है हमें, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे कई ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर इम्पर्सनेशंस अकाउंट्स के सेक्शन में आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए जो पहला ऑप्शन है, हाउ डू आई रिपोर्ट एन अकाउंट फॉर इम्पर्सनेशंस, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे देखिए इसके अंदर जितने भी डिस्क्रिप्शन है, स्टेप बाय स्टेप जो भी इनके दिए हुए हैं उसको आप पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शंस को, सारे स्टेप्स को। और देखिए यहाँ पर नीचे एक दिस फॉर्म का एक ऑप्शन दिया हुआ है जिस पे आप अपना कर्सर लेकर के जाएंगे, तो ये आप इसको क्लिक करिए, दिस फॉर्म। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये फॉर्म, आपको जैसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ इस पे क्लिक करके, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, रिपोर्ट फॉर इम्पोस्टर अकाउंट, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर जो भी सिचुएशन है वो डिस्क्राइब की हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है, समवन क्रिएटिंग एन अकाउंट प्रिटेंडिंग टू मी आर अ फ्रेंड, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे एक ऑप्शन और ओपन होकर आता है, ये आपसे पूछ रहा है आपके पास फेसबुक अकाउंट है या नहीं। आपको नो नहीं, आपको यस नहीं करना है, आपको नो कर देना है। आप यहाँ पर नो करिए और नो करने के बाद आपके पास एक और ऑप्शन आ जा रहा है, और इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है और दूसरा, इस इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कोई भी आप एक चुनेंगे तो देखिए ये एक नीचे फॉर्म ओपन हो जाता है। अगर मैं ऊपर वाले भी ऑप्शन पे चुनूंगा तब भी ये फॉर्म ओपन होगा। आपको यस, अगर आपका अकाउंट किसी ने फेक बनाया है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल मांगी जा रही हैं। पहला है कि योर फुल नेम, आपको अपना यहाँ पर पूरा नाम डालना है, जो भी आपका, आपके पास आइडेंटिफिकेशन कार्ड होगा आप उस पर जो लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे अपना। आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर फुल नेम ऑफ द इम्पोस्टर प्रोफाइल, जो फेक अकाउंट बना हुआ है आपको उस पर जो नाम पड़ा हुआ है फुल नेम, आपको वो डालना है। और आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे ये मेरे एक फ्रेंड की आईडी ओपन हो रही है, देखिए ये मेरे एक फ्रेंड की आईडी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसका नाम, जैसे ये पूरा जिस तरीके से आपको पढ़ा हुआ है आपको ये नाम यहाँ से ऐसे ही बिल्कुल सेलेक्ट कर लेना है, या आप इसको बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके से आपको यहाँ पर टाइप करना है। आप कॉपी भी कर सकते हैं,
और यहाँ पर आपको लिख देना है। अगर उस आईडी पर कोई ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर वो अवेलेबल है। वो आपको अगर देखना है तो आप अपने उस आईडी में आप आएंगे और अबाउट का ये जो टैब दिया हुआ है आप इस पर क्लिक करिए। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर इस पर होगी। कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन पे आप आएंगे तो आपको यहाँ से मिल सकती है, कॉन्टैक्ट में अगर मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है या ईमेल आईडी पड़ी होगी आपको यहाँ से देखना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। उसके बाद ये देखिए अपलोड आईडी, आपको अपनी कोई भी गवर्नमेंट आईडी आपको डालनी है जो भी इशू हुआ होगा आपके पास। जैसे कि अगर आप इंडिया में हैं, आपके पास आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, अगर आप विदेशों में हैं तो वहाँ का जो इंटरनेशनल आईडी आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है आपका, वो उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। और अगर आप आधार डालते हैं तो आपको आधार का पहला पार्ट और उसके बैक वाला पार्ट, फ्रंट और बैक दोनों डालना है। आप पैन कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आईडी आपको आप यहाँ से चूज़ करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से कहीं भी जहाँ भी आपकी आईडी हुई कंप्यूटर में आप वहाँ से उसको अपलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपको आईडी प्रूफ डालनी है वो आपको क्लियर होनी चाहिए, आपका उसमें नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपकी फ़ोटो, ये क्लियर उसमें दिखनी चाहिए। अगर आप ब्लर करके डालेंगे या धुंधला पड़ेगा इमेज तो शायद वो ज़्यादा आपके आपका काम नहीं आएगा और फेसबुक उसको रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद आपको इम्पोस्टर प्रोफाइल की लिंक डालनी है यहाँ पर। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि लिंक इसी तरीके से होनी चाहिए और आगे उस लिंक का जो होना चाहिए पूरा मैं आपको बताता हूँ। URL, इसमें URL डालना है आपको, वो कहाँ से कॉपी होगा। जैसे कि ये आपने देखा ये एक फेक आईडी है और आपको या इसका URL लेना है, तो आपको क्या करना है कि ये देखिए ऊपर जो ये एड्रेस बार में लिंक दी हुई है, इसको पूरा आप इस पर क्लिक करके आप इसको कॉपी कर लीजिए पूरा, यही लिंक है। अगर मान लीजिए आप यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर ये तीन बिंदी वाला देखिए बटन दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे कई ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर पहले आता था लेकिन इस बार नहीं, शायद नहीं आ पा रहा है। आपको यहीं से आपको क्या करना है कि यहीं से ही ये आप इस पर क्लिक करिए और कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आप इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ये लिंक चली गई, आपने सारी डिटेल भर ली। उसके बाद आपको क्या करनी है कि यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी आप लिख सकते हैं आपको उस आईडी से क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें खुल करके आप अपनी बात फेसबुक को बताइए कि मुझसे इस फेक आईडी से ये समस्या आ रही है, या मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, या आपको किस तरीके से परेशान कर रहा है, आपके फैमिली में लोग परेशान हैं, आप कितना परेशान हैं, क्या क्या चीज़ें आपके साथ घटना हो रही है, वो आप इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिख दीजिए, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि आईडी आप कौन कौन से फेसबुक एक्सेप्ट करता है यहाँ पर जो आपको अपलोड करनी है, तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है टाइप ऑफ आईडी फेसबुक एक्सेप्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक हाँ देखिए ये ऐसे खुल जाएगा और यहाँ पर आप ऊपर आइए और देखिए व्हाट फॉर्म ऑफ आईडी डज फेसबुक एक्सेप्ट। तो अब यहाँ पर ये आप देखिए गवर्नमेंट रिलेटेड जो आईडी गवर्नमेंट इशू करती है, यहाँ पे सारी दी हुई हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मैरिज सर्टिफिकेट, ऐसे करके वोटर आईडी कार्ड, फैमिली सर्टिफिकेट, वीज़ा। तो ये हो गई गवर्नमेंट आईडी कार्ड, जो इसमें से अगर आपके पास कोई भी हो वो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नॉन गवर्नमेंट आईडी है तो उसका भी लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड, ऐसे करके ये आप यहाँ से देख लीजिए इसमें से जो भी आपके पास हो। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी स्कूल आईडी कार्ड होती है वो अपना डाल सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए डिटेल दी हुई है, इसमें से आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी प्रूफ हो आप उसको बिल्कुल क्लियर फोटो उसको ले करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है और डिटेल लिंक देनी है। उसके बाद आप यहाँ पे सेंड करेंगे, जैसे ही आप सेंड करेंगे आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद आपने जो ईमेल आईडी डाली है आपके ईमेल आईडी पर ही फेसबुक मैसेज कर देगा, आपको मेल करेगा जो भी उस फेक आईडी पे फेसबुक ने
एक्शन लिया है। और जैसे ही अगर ये सारी डिटेल आपने सही डाली है, आईडी प्रूफ आपने सही डाला है, तो आप यकीन मानिए कुछ घंटों के अंदर, दो चार चार घंटे के अंदर ही वो आईडी डीएक्टिवेट हो जाती है। फेसबुक उसे पूरी तरीके से डिलीट कर देता है और आपने जो अपनी आईडी प्रूफ अपलोड की है उसे भी इस्तेमाल करने के बाद फेसबुक उसको डिलीट कर देता है। उसको देखने के बाद वो भी अपने पास रिकॉर्ड नहीं रखता, वो आईडी भी वो डिलीट कर देता है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, आप इस तरीके से दोबारा से रिपोर्ट करिए। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आपको वीडियो मेरा कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करिए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों की मदद हो सके, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।